प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम इंदौर में थे। इस दौरान उन्होंने अपनी एक जनसभा में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ इंदौर की तारीफ की बल्कि शिवराज सरकार की भी दिल खोलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इंदौर भारत को दिशा देने वाले शहरों में शामिल है। इंदौर संस्कारित है और जब कोई व्यवस्था संस्कार में बदल जाती है तो उसका सकारात्मक परिणाम सामने आता है। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की प्रतिमा का जिक्र करते हुए कहा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने चुनाव प्रचार अभियान पर वापस लौटते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले उस पार्टी की सरकार थी जिसने तबाही का मंजर किया, एक से दूसरे का टकराव करवाया और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया। स्वच्छता के सिरमौर इंदौर के जन जन को मैं नमन करता हूं। इंदौर का अतीत और इंदौर का वर्तमान भारत को दिशा देने वाले शहर के रूप में गर्व अनुभव कर सकता है। माता अहिल्याबाई मानवता की भलाई, विकास का पर्याय उन्होंने एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया और माता अहिल्याबाई उस कालखंड में जब राज व्यवस्था को संभालती थी तब किसी निर्णय या प्रस्ताव के ऊपर अपना सिग्नेचर करना होता था, हस्ताक्षर करना होता था तो माता अहिल्याबाई नीचे श्री शंकर लिखती थी और इस सारे कार्य को दैवी कार्य के रूप मान करके श्री शंकर को समर्पित कर देती। क्या उनके भरोसे दे आप अपने मध्य प्रदेश को देंगे कि आपके सपनों को संवार सके, आपके सपनों को संकल्प में बदल सके, आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सके, ऐसी प्रगतिशील भाजपा की सरकार चुनोगे? निर्णय नौजवान आपको करना है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से विकास की गंगा बह रही है। यह प्रदेश की जनता को तय करना है कि उन्हें 15 साल पहले वाला मध्य प्रदेश चाहिए था या आज का मध्य प्रदेश। 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का विकास का चित्र आपके सामने मौजूद है। ये चुनाव में आपको तय करना है कि 15 साल पहले वाले 55 साल में जाना है कि इस चुनाव के बाद भविष्य के 55 साल की ओर कदम रखना है। इसका निर्णय करने के लिए चुनाव। मैं आज यहां के नौजवानों से विशेष रूप से बात करना चाहता हूं जिनकी उम्र 18 साल की है, 20 होंगे, 22 होंगे, जिनको पहली बार मध्य प्रदेश का भाग्य निर्धारित करने का 28 तारीख को अवसर मिलने वाला है। ईवीएम मशीन पर उंगली दबा करके वो सिर्फ सरकार चुनने वाला नहीं है, वो नौजवान ईवीएम मशीन पर उंगली दबा करके अपनी जिंदगी का फैसला करने वाला है कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी कैसी। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेता का ठिकाना नहीं है। जिसका नेता कंफ्यूज है, जिसकी पार्टी फ्यूज है। मध्य प्रदेश में 60 लाख शौचालय बने,
और ये हमारे इंदौर में 1.5 लाख शौचालय लगे। आइए भाइयों, भारत की युवा पीढ़ी अब ज्यादा इंतजार करने को तैयार नहीं है। उसे ट्विटर फेसबुक की स्पीड से काम चाहिए और हमें वो दम है उसे स्पीड से काम करने। भाई बहन, मध्य प्रदेश में इंदौर समेत 7 स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं जिसमें एक इंदौर भी है और आने वाले 5 वर्ष में मध्य प्रदेश के इन 7 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपया, ये कांग्रेस के जितने नेता इधर उधर घूम रहे हैं ना, उनके जो नामदार है उनको जरा कहना कागज पे 23,000 करोड़ लिख करके दिखा, इतने जीरो लगते हैं उनको आएगा नहीं जी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दिग्विजय सिंह पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ समय पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राग दरबादी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे वो कौन है यह आप समझ गए होंगे। आजादी के बाद ग्रामीण स्वच्छता 2014 में आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में काम दिया, उसके पहले इतने उनके एक ही परिवार के 4-4 प्रधानमंत्री हो गए, एक परिवार की 4-4 पीढ़ी ने मलाई खाई। लेकिन ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 35% तक भी नहीं पहुंच पाया था, 4 पीढ़ी जो नहीं कर पाई हमने 4 साल में 92% ग्रामीण स्वच्छता का दायरा पहुंचा। अगर उनके हिसाब से चलते तो स्वच्छता का दायरा 34% से 90% तक जाने के लिए उनकी 12 पीढ़ी लग जाती। हमने जो काम 4 साल में किया, जो उनकी 4 पीढ़ी नहीं कर पाती और जो गति से वो करते थे उनको 12 पीढ़ी उनकी लग जाती, तब जाकर के ग्रामीण स्वच्छता होती। मैं मेरे नौजवानों से और एक बात करना चाहता हूं, कुछ समय पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता, बड़े राज दरबारी और सुबह उठते ही राज दरबार शुरू कर देते थे, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अगर प्रचार करने जाता हूं तो कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, इसीलिए मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। ऐसा इसलिए कि दिग्विजय सिंह अगर प्रचार करने जाएंगे तो जनता को उनके शासनकाल की अव्यवस्थाओं की याद आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कृषि सेक्टर में मध्य प्रदेश की गिनती नहीं होती थी, लेकिन शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में देश में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। उन्होंने प्रदेश में शिवराज सरकार के विकास की तारीफ करते हुए कहा कि आज शिवराज सरकार ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। ये शिवराज जी की सरकार है कि आज मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर बन गया। औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन के क्षेत्र बन गए, परिवहन के क्षेत्र में नाम रोशन कर दिया। और मैंने देखा जब भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहां हुआ है, इंदौर सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र रहा है। आइए भाई, ये 15 साल पहले कोई देशोच भी नहीं था। हम जब गुजरात से यहां आते थे बाय रोड,
दाहोद जिले से आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम जब गुजरात से आते थे, दाहोद से होकर के, जलपा होकर के जब मालवा के क्षेत्र से प्रवेश करते थे और कभी कार में नींद आ जाए और हम ड्राइवर को कहते थे कि भाई मध्य प्रदेश आए तो जगा देना। प्रधानमंत्री ने 2014 पर लौटते हुए कहा कि 2014 में आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में काम करने का मौका दिया। उससे पहले कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने राज किया है। उनके विकास की गति इतनी धीमी है कि हमने पिछले चार सालों में जो काम किया उसे करने में कांग्रेस को 12 पीढ़ी लग जाती है। वो जब 23 साल का होगा तब उसको पता चलेगा कि वाह, अब मुझे दुनिया के किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है, यही मेरी जन्मभूमि, यही मेरी कर्मभूमि। वो दिन दूर नहीं जब इंदौर में मेट्रो लग जाएगी। करीब 32 किलोमीटर मेट्रो का सारी कागजी काम पूर्ण हो चुका है। 7,000 करोड़ रुपया लगने वाला है। इंदौर की धरती पर 7,000 करोड़ रुपया लगने वाला है। 30 स्टेशनों के साथ भविष्य का इंदौर कैसा होगा, ये सपना हम दिल्ली में बैठ करके देख सकते हैं और उसको लागू करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। जय जय मोदी, जय सिंहराज। भाइयो बहनों, शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को 15 साल आपने सेवा करने का मौका दिया, आपने विश्वास किया, लेकिन उनको काम करने का मौका तो सिर्फ 4-4.5 साल ही मिला है। आपको आश्चर्य होगा ये कैसे, वे हमने तो मुख्यमंत्री 15 साल से बीजेपी का बना रहे हैं और आप कह रहे हैं 4-4.5 साल ही। मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को तेजी से विकास करने वाली सरकार चाहिए, वह हम कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जिसमें इंदौर भी है, जिसके लिए 23,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में मिलेंगे। कि आप उस जेब में से मोबाइल निकालना बंद कर दिया। भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों को आप देंगे देश? ये इंदौर व्यापार की धरती है, उद्योग की धरती है, आर्थिक गतिविधि की धरती है। आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान कैसे नाम रोशन कर रहा है। जब हम 2014 में आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक उसका रेटिंग करती है, हम लोग नहीं करते, वर्ल्ड बैंक करती है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा रेटिंग में 2014 में जब मैं प्रधान सेवक के रूप में आपने मुझे काम दिया, तब हिंदुस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 नंबर पे था, 142। यानी एक प्रकार से पीछे गिन से गिनो तो जरा जल्दी गिन जाएगा, ये हाल था हमारा। आज 4 साल के भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 142 से आधे पार कर करके करीब करीब 77 पर जाकर के खड़े हो गए हैं ऐसे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कानूनों में कठिनाइयों को दूर करना, व्यवस्थाओं में कठिनाइयों को दूर करना, छोटे मोटे उद्योग व्यापार के क्षेत्र में लोगों को जो रोजमर्रा की दिक्कत है उसको खत्म करना, ये काम हमने 4 साल में करके दिखाया है। केंद्र की 10 साल की एनडीए सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार को आपने 15 साल मौका दिया, लेकिन उन्हें काम करने का मौका तो सिर्फ 4.5 साल ही मिला, क्योंकि 10 साल तो केंद्र में मैडम की सरकार थी जो मध्य प्रदेश का नाम सुनते ही योजनाओं को रोक देती थी। वह रिमोट कंट्रोल सरकार थी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
कांग्रेस के कामदार जहां भी जाते थे तो जेब से मोबाइल निकाल कर कहते थे कि मेड इन भोपाल, मेड इन इंदौर यह मोबाइल बनेगा। लेकिन उस पार्टी के वचन पत्र में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है। वह ऐसे नेता है जिसे उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। आप फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर दीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ दिल्ली का इंजिन मध्य प्रदेश के भोपाल के इंजिन के साथ ऐसे लग जाएगा जो सपने समझे हैं पूरे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नामदार कंफ्यूज लीडर वो जहां जाते थे जेबों से मोबाइल फोन निकालते थे और जहां भी जाते थे मेड़ी छिंदवाड़ा मोबाइल बनेगा, मेड़ी उज्जैन बनेगा, मेड़ी इंदौर बनेगा। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? भाई उनके चुनावी घोषणा पत्र में कहीं उल्लेख है क्या जो उनका मेड़ी मोबाइल का उनके। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री के साथ इंदौर जिले के सभी भाजपा उम्मीदवारों के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, अनुराग ठाकुर और अन्य दूसरे नेता भी मौजूद थे।